आज हम बनाएंगे सूजी की मज़ेदार रेसिपी। कढ़ाई में पानी ऐड किए हैं और उसमें हम ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच नमक और एक चम्मच सादा तेल। पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जितना पानी दिए थे उतना ही हम ऐड किए हैं सूजी। और गैस के फ्लेम को हम मीडियम ही रखे हैं। अब हम इसका डो बना लेंगे। तो ये एक जगह सिमट रहा है, तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक कढ़ाई में एक कटोरी नारियल और 3 चम्मच चीनी डाल के इसको हम मेल्ट कर लेंगे। चीनी भी मेल्ट हो गया है अच्छी तरह से, तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इधर सूजी भी ठंडा हो गया है, हाथों से हम थोड़ा मैश कर लेंगे। तो अब हम इसका लोई निकालेंगे। इसी तरह से हम सब लोई को निकाल लिए हैं। अब हम गोल करके इसका हम चिपटा शेप देंगे। इसी तरह से हम सब बना लिए हैं। तो अब हम एक पीस लेंगे और इसको हम हाथों से दबाएंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। मिश्रण को हम बीच में रख देंगे। और दोनों साइड से हम किनारे किनारे से चिपका देंगे। तो ये एक शेप हो गया है और एक शेप हम आपको दिखाएंगे। इस तरह का शेप बना के आप बीच में डाल के इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से हम सारे सेब को बना लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में पानी ऐड किए हैं, अब हम इसमें इस तरह का स्टैंड डाल देंगे। चलनी जैसे थाली में हम इसमें लगा रहे हैं घी। और अब हम स्टैंड के ऊपर में रख दिए हैं और जो पूर हम बनाए थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। 6-7 मिनट के बाद हम कवर को हटा के चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक टूथपिक लिए हैं। टूथपिक से हम इस तरह से भीतर दबाएंगे तो ये क्लीन आ रहा है। तो क्लीन आने से समझ जाना चाहिए तो ये पक गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब एक किसी दूसरे बर्तन में हम दूध गर्म करेंगे। दूध गर्म हो गया है तो उसमें हम डालेंगे चीनी। तो आप देख सकते हैं चीनी गल गया है और दूध भी कम हो गया है और जो हम बनाए थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। उलट पलट करके हम दोनों तरफ से पकाएंगे। तो अब तो ये हो गया है तैयार। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लिए हैं। एक हम आपको कट करके दिखाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।